नमस्ते, मेरा नाम है लालिमा और आप देख रहे हैं thelallantop.com। अदनान सामी सिंगर हैं तो पाकिस्तानी मूल के, लेकिन भारतीय नागरिकता ले ली है। इनके बेटे हैं अजान खान, ये पाकिस्तानी म्यूजिक कंपोजर और स्क्रीन राइटर हैं। अदनान ने जहां भारत में रहने का फैसला किया, वहीं अजान पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं। अजान ने हाल ही में बीबीसी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने पिता के साथ अपने रिलेशन पर बात की। अदनान के भारतीय नागरिक बनने पर अजान ने कहा, मैंने कभी भी इस बारे में बात नहीं की, कारण ये है कि वो मेरे पिता हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ और रिस्पेक्ट भी करता हूँ। उन्हें कहाँ रहना है, किस देश को अपना घर कहना है, इसका फैसला उन्होंने खुद किया है। मैं उनके फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे कहाँ रहना है इस बात का फैसला मैं ही करूँगा। मैंने पाकिस्तान में काम करने का फैसला किया, भारत में मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं कई दिनों तक वहाँ रहा भी, लेकिन पाकिस्तान मेरा घर है, मैं वहाँ बड़ा हुआ, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री मेरा परिवार है। जब मैं छोटा था तब लोग मेरा होमवर्क कर देते थे, मैं जब स्कूल से घर आता था तब माँ शूट पर होती थी, मैं वहाँ जाता था, सेट पर मौजूद लोग मेरे पास आते और कहते कि हम तुम्हारा होमवर्क कर देंगे, मैं कैमरे से खेलता, वो मेरा होमवर्क करते, इसीलिए पाकिस्तान मेरा घर है। अजान अदनान और ज़ेबा बख्तियार के बेटे हैं। अदनान सिंगर हैं और ज़ेबा पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। दोनों ने साल 1993 में शादी की थी, 1997 में तलाक हो गया, इसी बीच अजान का जन्म हुआ था। माँ बाप के तलाक के बाद अजान ज्यादा वक्त माँ के साथ ही रहे। अदनान के साथ अपने रिश्ते पर वो कहते हैं, मैं मेरी माँ के पास बड़ा हुआ, इसीलिए मेरे पिता और मेरे बीच का रिश्ता दोस्त की तरह है, मैं सलाह लेने उनके पास जाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है, क्योंकि कई बार हम महीनों तक बात नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो खूब करते हैं, मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ। एक बेटे की हैसियत से हम अपने पेरेंट्स को ये नहीं बता सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हम केवल सलाह दे सकते हैं, खुद के ओपिनियन रख सकते हैं। मैं अपने काम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें उन्हें बताता हूँ, वो बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, मेरे काम में ज़्यादा दखल नहीं देते, लेकिन अगर मैं उन्हें कुछ भेजता हूँ तो वो मुझे सलाह देते हैं। साल 2000 के आसपास दो गाने आए थे, कभी तो नज़र मिलाओ, कभी तो करीब आओ, और मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। ये दोनों गाने अदनान ने ही गाए थे, तब से अदनान इंडिया में हिट हैं। उसके बाद से ही उन्होंने हिंदी फिल्मों में काफ़ी काम किया। 2015 में भारतीय नागरिकता लेने के लिए अप्लाई किया, जनवरी 2016 में भारतीय नागरिक बन गए। ट्विटर पर भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इस स्टोरी के बारे में और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा हमारा ऐप भी प्ले स्टोर में है, आप उसे भी डाउनलोड कर लें। थैंक यू।